ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो शेफ भाई के पैदल हज के सफर को गलत बोल रहे हैं। शेफ छोटू 2 जून को अपने घर केरला से पैदल हज के सफर पर निकले थे। आज उन्हें 75 दिनों से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन जब से वो हज यात्रा पर निकले हैं लोग उन पर फूल बरसा रहे हैं। कई लोग उनका हौसला बढ़ाने के लिए कई किलोमीटर तक उनके साथ पैदल चल रहे हैं। शेफ को लोगों ने बहुत प्यार और इज्जत और एहतराम से नवाजा, लेकिन कहते हैं ना, गुलाब का फूल जितना खूबसूरत होता है उसमें कांटे भी उतने ही होते हैं। शेफ के सफर में कांटे बन रहे वो तमाम लोग जो अपने अपनी सोच का इजहार करते हुए शेफ को सफर को गलत बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं ये लड़का पागलपन कर रहा है, इतने यातायात के साधन होने के बावजूद पैदल जाना गलत है। कोई बोल रहा है ये सुन्नत तरीका नहीं है, और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि पैदल हज कबूल नहीं होगा। मैं उन तमाम लोगों से बोलना चाहता हूँ, सही गलत कहने वाले हम कौन होते हैं? सही गलत का फैसला करने वाला कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। वो लड़का अगर चाहता है कि वह हज करने पैदल जाए तो ये बात अल्लाह ने उसके दिल में डाली है, और आप लोगों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। अगर तुम उसकी हिम्मत और हौसला नहीं बढ़ा सकते तो आपको उसे गलत बोलकर उसके रास्ते की रुकावट बनने का भी कोई हक नहीं। जिन लोगों को शेफ का रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चलना गलत लग रहा है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम्हें शेफ के दिल में अल्लाह और उसके रसूल के लिए मोहब्बत नज़र नहीं आती? क्या तुम्हें उसकी हिम्मत और हौसला नज़र नहीं आता? 8,540 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करने के लिए पहाड़ जैसा हौसला होना चाहिए जो उस लड़के में है। अरे कुछ लोग तो पैदल अपने मोहल्ले की मस्जिद नहीं जाते, वो पैदल हज पे जा रहा है। जो हज की साफ नीयत से घर से निकला है वो इंसान गलत कैसे हो सकता है? शेफ चाहते तो वो भी बाकी लोगों की तरह प्लेन या जहाज से मक्का जाके अपना हज कर लेते, लेकिन अल्लाह ने शेफ भाई को पैदल चलने का हौसला दिया, उनके अंदर इतनी हिम्मत दी कि वो पैदल सड़कों को नाप सकते हैं। शेफ तो अपनी माँ की दुआ लेकर घर से हज के लिए निकले थे। तुम उस शख्स को गलत बोल रहे हो जिसने भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरब की सरकार से पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए इजाज़त ली। शेफ ने पूरे 1 साल से पैदल हज पे जाने की प्रैक्टिस की है। अगर गलत कहना है तो उन लोगों को कहो जो बिना वीजा पासवर्ड के, बिना किसी इंतजाम के हज के लिए निकले हैं, जो हज को मजाक समझ रहे हैं, वो लोग गलत है, शेफ भाई नहीं। हज पे जाना हर मुसलमान का सपना होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। शेफ का भी बचपन का सपना था हज पे जाने का, लेकिन पैदल। शेफ और पाकिस्तान के बीच अब सिर्फ 4,500 किलोमीटर का फासला बचा है, और बहुत जल्दी पाकिस्तान की सरजमीन पर अपने कदम रखेंगे। लेकिन अपनी मंजिल मक्का पहुँचने के लिए शेफ को अभी भी 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करना है। कई हज़ार किलोमीटर का सफ़र कई कई देशों के पड़ाव, सर्दी, गर्मी, बारिश में लगातार चलते रहना है। भारत में तो शेफ भाई को जनता का बहुत प्यार मिला, हमारी दुआएं शेफ भाई को वैसे ही प्यार बाकी देशों में भी मिले। अल्लाह शेफ भाई का सफ़र आसान करे, उनके हज को कबूल अदा फरमाए, आमीन। आप शेफ भाई के इस पैदल हज के सफ़र से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शेफ भाई के सफ़र की तमाम जानकारी हम आप तक